કેમ છો? મજામાં છો? ગુજરાત સે નમસ્કાર. ગુજરાત મે કોણ આવે છે? ગુજરાત મે ભાજપ આવે છે, ગુજરાત મે કોંગ્રેસ આવે છે, ગુજરાત મે આમ આદમી પાર્ટી આવે છે. ગુજરાત મે ઇસ વખત હમ ગોધરા મે પહોંચ ચુકે હૈ ઓર ગોધરા સે ગુજરાત કે ચુનાવ કી એન્ટ્રી ઓર ગોધરા સે ગુજરાત કે ચુનાવ કી એન્ટ્રી કરતે હુએ ગુજરાત મે તમામ સિયાસી સમીકરણ ઉનકે સબ જોડતોડ खंगालने की, उखाड़ने की, निकालने की, टटोलने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि गुजरात में आखिरकार चल क्या रहा है. गुजरात में गोधरा से एंट्री करने का खास मकसद है. गोधरा से हमने एंट्री क्यों की? गोधरा जिस वक्त जिसमें हम खड़े हैं पंचमहल जिले में आता है, 5 सीटें हैं जिसमें से गोधरा एक सीट है और 2002 से ही गोधरा चर्चा में रहता है. हर बार 2002 में इसी गोधरा के अंदर दंगे हुए और सबसे ज्यादा सीटें नरेंद्र मोदी के सरकार नेतृत्व वाली सरकार को 127 सीटें मिली. अब गुजरात के अंदर भाजपा की सरकार, भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह और तमाम नेता वो दावा कर रहे हैं कि इस बार गुजरात में सब रिकॉर्ड तोड़ देंगे. सब रिकॉर्ड यानी जो हाईएस्ट सीट का रिकॉर्ड है गुजरात के अंदर. हाईएस्ट किसकी आई अभी तक? सबसे ज्यादा अभी तक गुजरात के अंदर अगर सीटों के लिहाज से बात करें कोई सी पार्टी की सरकार बनी है तो कांग्रेस की सरकार बनी है. कांग्रेस की सरकार 1985 में बनी, माधव सिंह सोलंकी मुख्यमंत्री बने थे और उस वक्त में 149 सीट आई थी. आज तक कभी भी भाजपा की 1995 से सरकार है, 1995 में केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने, 121 सीट आई, लेकिन कांग्रेस का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए. कांग्रेस 1985 में यहां पर 149 सीट के साथ में यहां पर सरकार बनाई थी. कांग्रेस भी उसको रिपीट नहीं कर पाई और भाजपा उसको तोड़ नहीं पाई. अब भाजपा यहां पर कह रही है, अमित शाह कह रहे हैं कि पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे. पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे का मतलब यह होता है कि 149 के पार हम चले जाएंगे. हालांकि एक चीज मैं आपको और बताता हूं, पिछली बार की अगर बात करें, 2017 की अगर बात करें, तो 2017 में भी अमित शाह का, भारतीय जनता पार्टी का यही नारा था 150 पार. लेकिन क्या हुआ? हुआ ये कि 100 पार नहीं हुआ. 99 सीट पर भाजपा की सुई अटक गई थी, 70 सीटों पर कांग्रेस आ गई थी. इस बार क्या होगा? कांग्रेस वर्सेस बीजेपी जो मुकाबला गुजरात में रहता है, उस मुकाबले के अंदर आम आदमी पार्टी यहां पर कूदी है. आम आदमी पार्टी क्या सेंध लगा पाएगी, कुछ सीटें निकाल पाएगी, कुछ वोट शेयर ले पाएगी या बहुत नुकसान करेगी? ये तमाम सारे जो सियासी समीकरण हैं उनको, तो तमाम जोड़ तोड़ हैं, उन सबको जो है वो खंगालने की, टटोलने की हमारी कोशिश रहेगी और आप तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी. अगर गोधरा की अगर बात करें, गोधरा से जहां से हमने एंट्री की है, तो गोधरा की बात करें तो गोधरा 2002 के अंदर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीती. लेकिन उसके बाद में 2007 में यहां पर कांग्रेस जीती. 2007 के बाद में दोबारा इलेक्शन में 5 साल बाद में 2012 के अंदर फिर कांग्रेस जीती और उसके बाद में 2017 में जब आखिरी चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी जीती. लेकिन दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि 2007 के अंदर कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे सीके राहुल जी, वही 2007 में जीते थे कांग्रेस की तरफ से. 2012 में सीके राहुल जी फिर कांग्रेस के टिकट पर जीते, लगातार 2 बार विधायक रहे और 2017 में भी सीके राहुल जीते. लेकिन सीके राहुल कांग्रेस में नहीं रहे, वो भाजपा में चले गए. और दिलचस्प बात यह है कि सीके राहुल ने पार्टी जरूर बदली लेकिन गोधरा के इन लोगों ने कैसे पटखनी देने का काम किया सीके राहुल को. वो जीत जरूर गए लेकिन कितने वोटों से जीते? केवल 298 वोटों से. केवल 298 वोटों से सीके राहुल जीते. सीके राहुल, उनको वोट आए 75,149, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस के उस वक्त के प्रत्याशी रहे बलवंत, उनको वोट आए 74,891. तो 298 का केवल मैच, छोटा सा एक आंकड़ा वो केवल क्रॉस कर पाए. हालांकि हार जीत एक वोट से भी होती है लेकिन केवल 298 के अंतर से वो जीत पाए. यानी गोधरा की जनता में उनके खिलाफ एक नाराजगी थी, वो कांग्रेस को छोड़कर के भाजपा में गए और गोधरा के लोगों ने अपनी ताकत लगाई उनको हराने की, नए उम्मीदवार जो आए उनको जिताने की पूरी उम्मीद की. लेकिन किस तरह से छोटे से मार्जिन के साथ में वो जीत करके भाजपा के अंदर चले गए और विधायक बन गए. अब जब 2022 का चुनाव हो रहा है,
2022 के चुनाव में दोबारा से उम्मीदवार हैं। सी के राहुल दोबारा से उम्मीदवार हैं। और एक दिलचस्प बात इसमें और बताता हूँ, दिलचस्प बात यह है कि भाजपा ने ये अंदर खाने एक रणनीति बनाई थी कि जो जो उम्मीदवार बहुत कम मार्जिन से जीत करके आए हैं 2017 के अंदर, उनका टिकट काट देंगे। वैसे भी 39 यहां पर 39 जो है वो मौजूदा विधायकों के, मंत्रियों के, उनके टिकट काट दिए गए, लेकिन सीके राहुल का टिकट नहीं कटा। सीके राहुल महज 258 वोटों से जीत करके आए, लेकिन उनका टिकट नहीं कटा। और इससे भी दिलचस्प बात आप सुनिए, सीके राहुल कौन है? सीके राहुल वही है जिन्होंने बिल्किस बानो के दोषियों को, जब वो रिहा हुए तो उनको संस्कारी बताया था। तो गोधरा और गोधरा का जो गणित है वो इतना आसान नहीं है। गोधरा के गणित में आप एक एक करके नीचे उतरते चले जाइए, आपको ऐसी ऐसी चौंकाने वाली, हिलाने वाली जानकारी निकल करके सामने आएगी, आप खुद चौंक जाएंगे। गोधरा की जब हम तैयारी कर रहे थे तो गोधरा में जो जानकारियां निकल करके सामने आई, हम खुद चौंक गए कि यहां पर तो आप जो है वो जितना नीचे उतरेंगे, गोधरा के बारे में फिर कई सारी और भी बातें हैं, गोधरा से किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, तमाम सारी चीजें हैं, और वो सब चीजें खंगाल करके, टटोल करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल गोधरा से गुजरात के चुनाव की एंट्री हमने मार ली है, और यहां से किस तरह के सियासी समीकरण अब आगे बनेंगे, क्योंकि चुनाव का अब पीक टाइम आ गया है। जिस वक्त में हम गुजरात में पहुंचे हैं, अब गुजरात का जो चुनाव है वो पूरी उफान पर है। और पहला चुनाव, जो आपको मालूम ही होगा कि पहला चुनाव जो है वो 1 दिसंबर को और दूसरा 5 को है, और उसके बाद में 8 तारीख को नतीजे आएंगे। हिमाचल की ग्राउंड रिपोर्ट हमने दिखाई थी, हिमाचल के नतीजे भी तभी आएंगे और दिल्ली एमसीडी के भी नतीजे तभी आएंगे। तो सवाल यही है कि किस तरह से गुजरात का चुनाव बन रहा है, गुजरात में किस तरह से समीकरण बन रहे हैं, गोधरा के अंदर किस तरह से बन रहे हैं, और गोधरा से क्या वाकई जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने 2002 के अंदर जो करिश्मा उस वक्त में दिखाया था, तो क्या उसको दोहरा पाएंगे, और क्या वाकई जो है वो 149 सीटों का जो कांग्रेस का हाईएस्ट रिकॉर्ड है उसको बीजेपी ध्वस्त कर पाएगी, या 99 सीटों का जो सबसे आखिरी। एक दिलचस्प बात ये भी है, देखिए आंकड़े जो है वो बड़े दिलचस्प होते हैं, आंकड़ों को थोड़ी सी आप अगर इंटरेस्ट रखते हुए अगर पढ़ोगे तो बड़ा दिलचस्प लगता है। 2002 में भाजपा ने सबसे ज्यादा, मोदी जी के राज में सबसे ज्यादा सीटों के साथ में यहां पर रिकॉर्ड बनाया। केसी भाऊ जो है उस वक्त में 1995 में 121 सीटें उनकी आई थी, लेकिन 2002 में 127 सीटें नरेंद्र मोदी की आई, और सबसे कम सीटें जो आई वो भी मोदी की अनुपस्थिति में, मोदी की गैर हाजिरी के अंदर 2017 में 99 सीट आई। तो गुजरात का कांग्रेस का ग्राफ लगातार बढ़ा है, बीजेपी का ग्राफ लगातार गिरा है। वोट शेयर की आप बात करिए तो वहां पर भी बीजेपी को नुकसान हुआ है, अगर सीटों की संख्या की बात करी तो वहां पर भी नुकसान हुआ है। सवाल यही है कि आम आदमी पार्टी जो यहां पर दावे कर रही है, आम आदमी पार्टी जो यहां पर दमखम दिखा रही थी, जो 15-20 दिन पहले जो माहौल वो दिखा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तमाम सारी चीजें थी, अब क्या वाकई जमीन पर उनके लिए कुछ कहीं पर जगह है, या बहुत जगह है, या केवल और केवल जो है वो टीवी में जगह थी, जमीन पर जगह नहीं है? ये तमाम सारी चीजें खंगालेंगे, टटोलेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो बहरहाल गुजरात की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए लगातार आप जुड़े रहिए, और लगातार दिन में भी, रात में भी, दोपहर में भी, सुबह में भी, शाम में भी लोगों से बात करेंगे, लोगों के मुद्दों पर बात करेंगे और लोगों की राय आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो खूब शेयर कीजिए और ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है घंटे उसको दबा लीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे यहां से गुजरात के चुनाव की, वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर